बोलिए सच्चे दरबार की जय। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है पर आप लोगों की नहीं आ रही। कहते हैं माँ के दरबार में जो जैसी करते हैं सेवा वैसे ही पाते हैं मेवा। आज की शाम ये पूरी रात हम सभी भक्तों को मिली है, बड़े नसीबों से मिली है। कितने जतन किए हैं उसके बाद ये सुहानी रात हम सभी के नसीब में आई है। आइए एक बार जितने भी भक्त माँ के लाल बन के आए हैं, माँ के बच्चे बन के आए हैं, वो जरा दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाइएगा। बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए ये बात। आइए पहली रचना माँ के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। सारे भक्त मिलकर पहली हाजरी मैया के दरबार में लगाएंगे। आवाहन हुआ, गणेश वंदना हुई, ये पहला पुष्प माँ के श्री चरणों में रखना है और सभी को माँ से कहना है, ऐ माँ जो लगाते हैं एक हाथ उठाएं। क्या बात है, बोलिए दुर्गा मैया की, कह दो सच्चे दरबार की। आई मीठी मीठी ताली बजाकर माँ से कहे, माँ मैं हूँ तेरा नौकर मैया, हाजिरी रोज लगाता।
कहूंगी हाथ उठाओ, बिल्कुल मत उठाओ, लेकिन जितने भी लोग बैठे हो सबकी हाजिरी लगनी बनती है। हम लगा रहे हैं, ये लोग अपने माध्यम से लगा रहे हैं, अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लाए हैं। आप लोग कुछ लेकर नहीं आए हो सिवाय इन हाथों के। अगर हाथ लाए हो तो मीठी मीठी ताली बजाकर माँ का धन्यवाद करो। माँ आज ये दरबार कितने दिनों बाद सजा है, बस सज गया, यही बहुत बड़ी बात है। कह दो सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की, क्योंकि कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना ऐसा आजकल होता है, होता है। अगर 4,000 का कर्जा देंगे तो 4,000 लोगों को पता होगा बोल दुर्गा मैया की, लेकिन ये 4 लाख देती है किसी से कहती नहीं है। माँ से कहो मैया क्या देती हो, क्या लेती हो, कितनी मेरी मजदूरी किनको किनको माँ के दरबार से मिला है। अगर मिला है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करिए। माँ मैं हूँ तेरा नौकर मैया, हाजिरी रोज लगा मिला है। किसने श्रृंगार किया है मैया का अंकित, किसने श्रृंगार किया है मैया का? हमारे अंकल जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। आज माँ को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया है, आइए कौन कौन सजाएगा? सभी सजाओगे बोल दुर्गा मैया की? आवाज तो आए, कह दो सच्चे दरबार की ये बात। आइए मिलकर कहे मैया सजने की है शौकीन, कोई कसर न रह जाए। सजने की है शौकीन, कोई कसर न रह जाए। ऐसा कर दो श्रृंगार सब दे अच्छी लग रही है। अच्छा कितने श्रृंगार माँ के किए जाते हैं? माँ के कितने श्रृंगार किए जाते हैं? 27 साल से हो रहा है ना जागरण, ये 27वां है। कितने श्रृंगार होते हैं कोई बता सकता है कितने श्रृंगार होते हैं? 16, ताली बजाओ। आप लोग 16 श्रृंगार कर सकते हो माँ के? कर सकते हो? 15 कर सकते हैं, 15 श्रृंगार हम कर सकते हैं, दावा करते हैं, लेकिन 16वां श्रृंगार भोलेनाथ करते हैं मैया की मांग में सिंदूर भर के। बोलिए सच्चे दरबार की, इसलिए हमारी कोई औकात नहीं कि हम माँ को सजा सकें। आइए मिलकर कहो माँ क्या उसको सजाओगे जो सबको सजाती है, क्या उसको सजाओगे जो सबको सजाती है, क्या उसको खिलाओगे, क्या उसको खिलाओगे जो सबको खिला खिलाती है। बस भाव के सागर में
मेरी मैया डूब जाए, बस भाव के सागर में मेरी मैया डूब जाए। ऐसा कर दो सब देखते। अच्छा लग रहा है ना, कह दो सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए दुर्गा मैया की। आज कानपुर में बहुत सारे कलाकार ऐसे जो सोच रहे हैं कोई मंच मिल जाए तो हम भी जाके हाजिरी लगा लें। तो मैं इन सभी के लिए चार लाइनें कह रही हूँ, सारे भक्त मिलकर कहिएगा माँ से, माँ मुझसे काबिल मुझसे लायक सेवा को तेरी तरस रहे। ए माँ मुझ नालायक मी क्या देखा सोच के और सबसे बड़ी बात मैया जी की सेवा करना बच्चों को सिखलाता हूँ। भजन की अंतिम लाइनें चल रही हैं, जो वाकई में नौकर हैं पर दोनों हाथ उठा लेना। जितने नौकर हैं अगर मालिक बन के आए हो, सेठ साहूकार बन के आए हो तो हाथ नीचे रखना, और वाकई में अगर माँ के दास बन के आए हो तो दोनों हाथ उठाना और ताली बजाकर माँ से कहना, माँ मैं हूँ तेरा